सब्सक्राइब करें इस मैकटेक चैनल को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज़ और ट्रिक्स के लिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैकटेक में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे मोटो ई फोर प्लस की। फ्लिपकार्ट से हमने मंगवाया है, 9999 का हमें पड़ा। दो वेरिएंट मिलते हैं, मोटो ई फोर और मोटो ई फोर प्लस। हालांकि मोटो ई फोर ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल है और मोटो ई फोर प्लस ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से आपको लेना पड़ेगा। तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फ़ोन मीडियाटेक प्रोसेसर के साथ आता है। लास्ट कुछ मोटोरोलास के फ़ोन में हमें मीडियाटेक का ही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। तो मीडियाटेक 6737 1.3 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर इसमें आपको मिलता है। तो बॉक्स हमने लगभग अनबॉक्सिंग कर लिया है, कुछ ऑरेंज कलर का बॉक्स दिखता है। अगर मोटो की जनरेशन्स की बात करें तो पहला जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन आया, फिर थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन है। अगर थर्ड के साथ फोर्थ का कंपेयर करें तो डिफरेंस यही है, आपका स्क्रीन साइज़ जो है ये मोटो ई फोर प्लस में थोड़ा बड़ा मिलता है, 5.5 इंच का स्क्रीन है, और आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है। और कैमरा जो इस बार दिया गया है वो 13 मेगापिक्सल का है, जो रियर कैमरा है। मोटो थर्ड जनरेशन में आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता था। साथ में जो फ्लैश है आपको रियर कैमरा में मिलता है, और सेल्फी कैमरा में भी आपको फ्लैश दिया गया है इस बार। तो ये मेन डिफरेंस है मोटो ई थ्री के साथ फोर का। रैपिड चार्जर थर्ड जनरेशन में भी आपको मिलता था, इसमें भी आपको मिलता है, और एक डेडिकेटेड माइक्रोएसडी स्लॉट भी आपको दिया गया है। तो फाइनली जो है बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है। सामने लिखा हुआ है 4G, ऑरेंज कलर का है। पीछे आपको कलर वेरिएंट्स दिए गए हैं, आयरन ग्रे, गोल्ड और एक मिडनाइट ब्लू, जो अभी अवेलेबल नहीं है लेकिन ज़रूर बाद में अवेलेबल होंगे फ्लिपकार्ट में। और मोटो की जो है ब्रांडिंग दी है, सील है, उसको मैं कट कर रहा हूँ। आयरन ग्रे कलर का मैंने मंगवाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा है। वाह जी वाह, फ़ोन तो बढ़िया है। तो फ़ोन का मॉडल नंबर है XT1770, डुअल सिम फ़ोन है, तो आपको दो IMEI नंबर देख सकते हो आप। और पीछे की तरह लिखा हुआ है 5.5 इंच का स्क्रीन और 5000 mAh की बैटरी और फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो सबसे बड़ी बात जो मैं मिस कर गया, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। लिफलेट्स कुछ इस तरह के दिखते हैं और फ़ोन कुछ इस तरह का है। तो चलिए फ़ोन के ओवरव्यू लेते हैं। पीछे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल मिलता है, USB पोर्ट और माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं मिलता है, राइट साइड में पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर मिलता है। पीछे में कैमरा, मोटो की ब्रांडिंग, ऊपर में हेडफोन जैक और नॉइस कैंसलेशन माइक का है वो शायद, जी हाँ, कैमरा के ऊपर आपको मिलता है। तो बॉक्स में और क्या क्या है देखेंगे, चलिए बॉक्स कंटेंट क्या क्या है देख लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको, हाँ, बॉक्स में आपको चार्जर मिलता है। तो चार्जर की रेटिंग देख लेंगे, 5.2 और 2 एम्पियर का जो है चार्जर है। तो फास्ट चार्जिंग कैसे हुआ नहीं पता। चलिए और क्या दिया गया है, माइक्रो USB केबल है, ठीक है। और बेसिक हेडफोन्स आपको मिलते हैं, कुछ यूज़र मैनुअल्स वगैरह मिलते हैं। तो यूज़र गाइड है और एक मैनुअल आपको मिलता है, आप बाद में पढ़ सकते हो। तो बैक पैनल ओपन करते हैं फ़ोन का। तो एक ग्रुप दिया गया है, उसमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर लो तो आपका बैक पैनल जो है निकल जाएगा। 5000 mAh की बड़ी बैटरी जो आप नहीं निकाल पाओगे, ऊपर से कवर है, और डुअल सिम दिया गया है। डुअल सिम का स्लॉट नंबर 1 और साइड में नंबर 2, और नंबर 1 स्लॉट के ऊपर ही आपको SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट जो है वो मिलता है। तो चलिए फ़ोन का पहला बूट अप देखते हैं, बूट अप एनिमेशन कैसा है वो देखेंगे। और एक बात जो मैं बताना भूल गया, वो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 7.1.1 नोगट आउट ऑफ द बॉक्स आपको दिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना यार। फ़ोन का फुल सेटअप मैं इस वीडियो में नहीं दिखाने वाला हूँ, और रिव्यू जो डिटेल रिव्यू आने वाला है वो उसके लिए आप इंतज़ार करो, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। तो एनिमेशन आने वाला है, देख लो कैसा लगता है।